आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल एक मिठाई। ना इसमें कोई मावा ना कोई चाशनी, बस ये छेना और चीनी में बन जाएगा एक स्पेशल मिठाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लुक कितना सुंदर है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको चाहिए छेना। देखिए छेना हमारा ऐसे होना चाहिए। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, अपने मर्जी से आप कोई भी कढ़ाई लें। उसमें थोड़ा सा पानी दें और इसमें दूध ऐड करिए। दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे और जो पहले हमने छेना रखा था ना उसको दूध में ऐड करेंगे। ये छेना मैंने होममेड ही यूज कर रही हूँ और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे लगातार। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। देखिए छेना यहाँ पे हमारा ड्राई हो गया है, ऐसे ही करना है हमको। उस टाइम हम चीनी ऐड करेंगे। आपको जितना मिठाई पसंद है आप इतना ही ऐड करिए। आप चाहिए तो इस टाइम मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा छेना हम अलग रखेंगे, इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहिए तो केसर ऐड कर सकते हैं। केसर फेस्टिवल के समय में शुभ माना जाता है और पीला कलर केसर का होता है ना, वो बहुत शुभ होता है। मिठाई को हम देसी जुगाड़ से बनाएंगे। मैंने एक छोटे से डब्बे को ना इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा काट कर लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा घी ग्रीस करके हम इसमें छेना ऐड करेंगे। आप चाहिए तो जो कुकीज कटर आता है ना इसके मदद से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन सबके पास तो कुकीज कटर नहीं है। लेकिन छेना ऐसे अंदर देने से हम स्पून के मदद से इसको प्रेस करेंगे, ये अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा। छेना हमारा यहाँ पर ड्राई था ना, वो अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए दोनों कलर हमने दे दिया, नीचे व्हाइट वाला छेना और ऊपर जो कलर वाला छेना हमने रखा था इसको। और इसको ना अच्छे से हम सेट होने के बाद, इसे एक दो मिनट तो लगेगा सेट होने के लिए, और ऐसे अंगूठी की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और जो हमने कुकीज कटर बनाया है ना तो इसको ऊपर से इसे खींच लेंगे। देखिए ऐसे प्रेस करते जाएंगे और इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर खींच लेंगे। और इस प्रोसेस को ना आप बहुत ध्यान से बनाएं क्योंकि ये बहुत दानादार बना है। ये मिठाई इतना टेस्टी बनता है ना, आप सोचोगे कि इसमें खोया मिल्क मिर्च सब कुछ ऐड करा है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, लेकिन मिठाई बहुत सुंदर से बनता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो मिठाई है ना अच्छे से बाहर निकल आया है। इस प्रोसेस से हम सब मिठाई को बना लेंगे। और एक बार आप यहाँ पे देखिए, पहले हमने डाला है व्हाइट वाला छेना, इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। देखिए अंगूठी की मदद से कि चम्मच की मदद से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। अच्छे से इसको प्रेस करना पड़ेगा तभी तो ये सेट होगा ना। देखिए ऐसे ही हमको प्रेस करना है। दिवाली में बहुत अच्छे से मिठाई मार्केट में बहुत सजावट होके आता है ना, आप इसको बहुत सिंपल डिजाइन से बना, ये इतना सुंदर लगेगा ना, जैसे कि सब बोले कि कितना महंगा मिठाई है। आप जरूर इसको ट्राई करें है ना इस दिवाली पर। देखिए ऐसे अंगूठी के मदद से मैं ऐसे दबाते रहूँगी और ये जो कुकीज कटर हमने बनाया ना ऐसे देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। देखिए हमारा सब छेना का मिठाई अच्छे से प्रस्तुत हो गया। आप चाहे तो ना इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, पिस्ता ऐड कर सकते हैं, केसर ऐड कर सकते हैं। आप पिस्ता ऐड करेंगे ना, पहले पिस्ता को ना गर्म पानी में भिगा लीजिए, उसके बाद इसका छिलका उतर के आप इसको छोटे छोटे टुकड़े के कर लीजिए और इसके ऊपर सजा दीजिए। लेकिन मानिए ना हलवाई लुक ऐसे ही करते हो, बहुत सुंदर कलर इसमें आता है। आप चाहे तो फ्रेश अंगूर भी सजा सकते हैं, फ्रेश अनार, आपकी मर्जी, आप जो भी सजा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे तो फ्रेश अनार ही डाला हूँ। ये अनार के मदद से कितना सुंदर देख रहा है ना। आप इसको जरूर बनाएं, आपका फैमिली को जरूर पसंद आएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।